सो हैगा गाइस वेलकम बैक टू अनदर मास्टर क्लास तो आज का जो वीडियो एडिटिंग होने वाला है वो फिल्मोरा होने वाला है तो मेरे को मालूम है कि मैंने फिल्मोरा तो का हो चुका है हमारा वीडियो वो जो था वो हमारा पीसी में था वो सॉफ्टवेयर के लिए हो गया था जो अभी हम लाए हैं मोबाइल के लिए कि मोबाइल में हम कैसे फिल्मोरा को चला सकते हैं कट टू कट पूरा सेम ही होता है कोई डिफरेंस नहीं होता बस थोड़ा सा सेटिंग का वो उसका बस उतने अलग रहता है और हम आपको उसमें बताने वाले कि आपको कैसे वीडियो उस पर एडिट करना है तो उसमें प्रॉपरली आप रील्स भी एडिट कर सकते हो और यूट्यूब का वीडियो एडिट कर सकते हो तो अब की जब को मैंने पूरे जितने बताए हैं वीडियो और उसमें सारे सिर्फ रील्स वीडियो वीडियो अलग अलग ऐप में था और लेकिन इसमें कॉम्बो है इसमें आप दोनों आप एडिट कर सकते हो तो वीडियो में पूरे बने रहना और वीडियो को पूरा देखना और चलते हैं बताते हैं कैसे एडिट करना है।, है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो मोबाइल की स्क्रीन पर क्या करना है आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और फिर मोर को डाउनलोड कर लेना है फिल्मोरा को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये इंटरफेस दिखेगा फिल्मोरा का तो सिंपली इसको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद हमारे जो सामने जो इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे वी किम इम्पैक्ट इजी एडिटिंग तो यहाँ पे क्या करना है सीधे न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ पे आपे 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 कर सकते हो डायरेक्टली तो आप यहाँ पे कौन से भी एक एग्जाम्पल क्लिक वीडियो में ले लेता हूँ यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर मैंने कल शूट किया था इसको ये ले लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ तो इम्प्रोव करने के बाद हमारा जो वीडियो है ऐसे दिखने वाला है यहाँ पर तो ये हमारा फुल फ्रेम है यूट्यूब का साइज़ है ये आप इसको कट कर करके यहाँ पर डायरेक्टली इसका जो है आप रील्स का भी साइज़ ले सकते हो लेकिन फर्स्ट फॉल हम क्या करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा तो सा टूल्स इसके टूल्स के बारे में जानेंगे यहाँ तो पर तो फर्स्ट वॉल यहाँ पर सिंपली जो हर वीडियो में आता है जैसे ट्रेम आ गया ऑडियो आ गया टेक्स्ट आ गया ट्रिम में आप कहीं भी वीडियो में कट लगा सकते हो सिंपली आप जैसे चाहो तो वैसे आप कहीं भी लगा सकते हो तो आप क्या करना है इसको अगर जो ट्रिम किया है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखता रहेगा यहाँ पर डिलीट का तो आप डिलीट कर सकते हो अगर बैक करना है तो बैक भी कर सकते हो यहाँ पर ठीक होने बाद यहाँ पे ऑडियो दिया है यहाँ पे ऑडियो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो और यादे रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऑडियो को यू होने बस फिर टैक्स आता है हमारा जो टैक्स है जो कहीं भी आप अगर वीडियो में टेक्स लिखना चाहें तो आप सिंपली आप लिख सकते हो ईजीली यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये मैं यहाँ पर जैसे टैक्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने आप इसका फॉन्ट भी ईजी कर सकते हो आप कहीं भी इसको कॉल कर सकते हो अगर इसको मैं अगर लेकर कर जाना है कहीं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं बस मैं आपको यहाँ पे बस टूल के बारे में बता रहा हूँ आपको कैसे प्रॉपर्ली एडिट करना है कैसे नहीं करना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी कुछ वो स्टिकर्स अगर वीडियो में कहीं अगर हमें एक स्टीकर लग, लगाना होता है कहीं भी कुछ भी लगाना होता है आप सिंपली अपने यहाँ पे नेट से कनेक्ट करके आप यहाँ से ले सकते यादे यहाँ से भी ले सकते हो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो इमोजी अगर कहीं भी लगाना रहा तो आप इमोजी भी वीडियो में कहीं भी लगा सकते हो ये हो गया एक सिंपल वे की वीडियो में अगर कुछ भी कहीं भी इमोजी लगाना रहे आप वहाँ से लगा सकते हो उसके बाद आता है पी आई पी पी आई पी में अगर आपको कहीं भी वीडियो को ऐड करना है थोड़ा बीच में ही तो आप वहाँ पर पी आई पी एड कर सकते हो तो इफ़ेक्ट हो गया जैसे अगर हमारे वीडियो में कुछ इफेक्ट देना हो देना रहा तो आप यहाँ पे सिंपली वीडियो में दे सकते हो जैसे मैं एक स्लाइड वे का ही दे रहा हूँ तो एक आप कहीं भी एक ये दे सकते हो ये हो गया स्टार्टिंग वीडियो के लिए जैसे अगर आपको स्टार्टिंग वीडियो में कहीं भी थोड़ा सेकैसी थोड़ा तो फेशनल टाइप में एडिट करना रहा तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ उसके बाद एडजस्ट अगर आपको फोटो में अगर आपको जो वीडियो अगर लाइट थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर ज़्यादा लाइट रहे वीडियो में तो आप एक्सपोजर कम कर सकते हो अगर आपका जो फेस क्वालिटी या तो बॉडी क्वालिटी अगर कम दिखता रहे तो आप कौन से बढ़ा सकते हो अगर ज़्यादा दिख रहा है तो आप कम भी कर सकते हो बाकी यहाँ पे बहुत सारे टोल्स है जो आप यहाँ पर कर सकते हो अगर ज़्यादा लाइट है तो हाईलाइट को कम कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो इसके बारे में हम थोड़ा डीपली जानेंगे और इसके बाद में इसके बाद में फ़िल्टर फिर आप यहाँ पे वीडियो में डायरेक्टली कुछ भी फ़िल्टर लगा सकते हो अगर आपको जो भी यहाँ पे चाहिए रहेगा आप ऑपोसिटी भी कम कर सकते हो क्वालिटी का अगर कि मुझे इतना नहीं चाहिए फिल्टर कम चाहिए थोड़ा हल्का सा आप 14, आप तो आप फोर्टीन फिफ्टीन रख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर अगर ट्वेंटी रखूँ तो यहाँ पे सिंपली आप रख सकते हो फुलटर फिल्टर पूरा वीडियो में लग जाएगा उस पर स्केल है स्केल में आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था साइज जो अगर इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का साइज में यहाँ पे इंस्टाग्राम का ये रहा साइज ये रहा यूट्यूब का साइज बाकी यहाँ पे बहुत सारे साइज है आप वो भी ले सकते हो उसके बाद एक बैकग्राउंड एंडी आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से आप ब्लैक ले सकते हो आप ब्लू ले सकते हो लेकिन यहाँ पर और जब आपको ये वीडियो का साइज कम करना रहा तो आप यहाँ पे कौन सा भी कलर ले सकते हो तो सिंपली जैसे मैं कौन सा भी कलर यहाँ पे चूज करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर अभी अपने बैकग्राउंड अपने फोटो का ही बैकग्राउंड भी ले सकता हूँ यहाँ पर और क्वालिटी के हिसाब से ले सकता हूँ मुझे पूरा ब्लर चाहिए बैकग्राउंड तो ब्लर फिफ्टी परसेंट चाहिए ब्लर तो फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो सेवेंटी परसेंट तो मैं अभी ये फिलहाल तो कर करता हूँ और इसे थोड़ा बैक करता हूँ हाँ। तो ये होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कस्टमाइज कस्टमाइज वाटर मार्क आ जाएगा कस्टमाइज वाटर मार्क में आप यहाँ पे ले सकते हो अपने आपके हिसाब से कस्टमाइज आपको फिर मोरा का चाहिए तो फिर मोरा का है। या तो नॉन चाहिए तो नॉन का मिल जाएगा बाकी इसका हमें बाकी का था। कोई जरूरत नहीं है अभी वीडियो में फिलहाल तो हमारी इतनी जरूरत है अगर आप चाहते हो कि हमारा जो क्लिप है जो हमने और क्लिप हमारे ऐड करना है तो आप प्लस आइकन में करके आप सिंपली कौन सा भी एक यहाँ पे क्लिप ले सकते हो इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम उसके बाद हमारे फिर से स्टार्टिंग पे आ जाना है तो मैंने यहाँ पे पूरे टूल्स के बारे में बता दिया लेकिन हाँ ऊपर थोड़े और बहुत टूल्स हैं तो जो यहाँ पे है अंडों का और री अंडो का हमारा जो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है और यहाँ पे फुल फ्रेम का दिया हुआ है कि आप एडिटिंग के बाद फुल फ्रेम में दे सकते हो और डायरेक्टली ऊपर एक्सपोर्ट दिया आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो लेकिन आप हम दिखाएँगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सीधे एडिटिंग में जाएंगे एडजस्टमेंट एडजस्ट में जाने बाद आप एड फिल्टर आपको पता चल गया है लेकिन यहाँ पर एड एडजस्ट है हमें क्या करना है एच यूज़ कर लेना है पहले एच में अपने स्किन कलर आ जाना है कि हमें जो फेस ब्राइट कर देना है हल्का सा उसके बाद हम थोड़ा स्काई लाइट में आएंगे और सिचुएशन को बढ़ा देंगे उसके बाद आएंगे ब्लू में ब्लू को भी थोड़ा बढ़ा देंगे कि जो हमारे क्लोथ का कलर है थोड़ा सा अच्छा सा डार्क दिखे उसके बाद हम आएंगे सीधे ग्रीन में क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर है ग्रीन हम थोड़ा ग्रीन लाएंगे कर देंगे डन डन करने बाद हम सीधे जाएंगे सिचुएशन में सिचुएशन को थोड़ा हल्का सा बढ़ाएंगे बैकग्राउंड का जो कलर से थोड़ा अच्छा दिखे वाइब्रेंस वाइब्रेंस को भी बढ़ाएंगे उसके बाद वाइट लेवल वाइट लेवल को हल्का सा हम कम करेंगे माइनस सिक्स करेंगे और बैक लेवल करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज अभी उसके बाद हम ब्राइटनेस को कुछ नहीं करेंगे हाईलाइट को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक्सपोजर को पहले से कम कर चुका है हाईलाइट कब करेंगे जब बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट रहे तब आप यूज कर, कर सकते हो टेम्परेचर कर सकते हो टेम्परेचर हल्का बढ़ा दो उसके बाद विग्निटी को अगर आपको साइड में जो रहेगा ब्लैक चाहिए रहेगा तो आप ब्लैक भी ला सकते हो आप यहाँ पे दे सकते हो कि हमारा जो वीडियो है प्रॉपरली कैसे एडिट हो चुका है अगर मैंने आपको पहले भी दिखाया था पहले हमारा कैसा था पहले हमारा ऐसा था और अब कैसा हो गया ऐसा येरा बिफोर एंड ये, रहा और ये रहा आफ्टर तो सिंपली आपको क्या करना है सिर्फ एडजस्टमेंट में आपकी दिमाग में रखना है कि मुझे वीडियो को इसी टोन में और इसी कलर में एडिट करना है और उसके हिसाब से आपको कलर्स को इंक्रीज करते रहना है बस उसके बाद आपको वीडियो जो रहेगा प्रॉपरली एकदम रिजल्ट ऐसा आने वाला है तो ये हो गया मेरा एक वीडियो का आपको मैंने बता दिया सिंपली आपको कैसे एडिट करना है तो ये मेरा वीडियो यूट्यूब का वीडियो है तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कैसे एडिट करना है और इसको आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो मैंने आपको साइज़ का बताया स्केल का अगर मेरा यूट इंस्टाग्राम का साइज़ होता मेरा ये मैं इसे करता हूँ डन थोड़ा और इसको जुम आउट करता हूँ ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का साइज़ अगर मैं ये इंस्टाग्राम कर लिए एडिट किया रहता तो मेरा ये इंस्टाग्राम का साइज़ होता तो मैं फ़िलहाल तो यूट्यूब के साइज़ में कर रहा हूँ तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा बैक कर देता हूँ हाँ। तो आपने देख लिया कि मैंने कैसे प्रॉपर तरीके से इसे यहाँ पे एडिट किया हुआ है आपको रिजल्ट भी दिख गया तो ऐसे में वीडियो हम आपके लिए लाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अगर आप चैनल पर नए रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में